यंग लड़के लड़के एक्टर्स hmm. उनके साथ इस बात हैव टू गिव सर थैंक यू बिल्कुल मैं बताता हूँ और मैं इसलिए तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ आप आ, मेरी नियत में ना मैं तो एक्टर्स को यह भी बताता हूँ जो जब आते हैं ना और आके कुछ ऐसे भी एक्टर्स होते हैं जो आके नाम नहीं बताऊंगा

उनको इंकरेजमेंट मिलती है कि इमरान फेलियर्स के बावजूद रिजेक्शन तो नहीं मैं बोलूंगा बट इस तरह के नास्टी कमेंट्स के बावजूद इमरान ने हिम्मत नहीं आ रही और यह मुकाम अचीव किया सो व्हाट ड्राइव्स यू ड्यूरिंग दैट टाइम मेरा खाब और मेरी जरूरत जब आप सिर्फ ख्वाहिश रखते हैं तो बात कुछ और होती है जब आपकी ख्वाहिश के साथ आपका रिस्क जुड़ा हो तो फिर पीछे नहीं होती सिर्फ नाम पूछना चाह रहा था आप बजिद कि नाम किसी का नहीं लेंगे मुझे नहीं मुझे दुआ करें अल्लाह करे मुझे नहीं कोई वायरल क्लिप चाहिए अल्लाह करे मैं इतना अच्छा सीन करूं जो वायरल हो जाए उसके लिए तो आपका सीन करवाना पड़ेगा फिर <laughs> That's a <it>. good one. <laughs> <laughs> uh. आपके अंदर ये जो राइटर वाली है, hmm. और आम कॉन्वर्सेशन भी जब आप दोस्तों यारों के साथ कर रहे होते हैं it's not like कि आपने मुश्क में वो डायलॉग्स लिखे और बड़े लोगों का उस पर एक ओपिनियन था कि यार की बड़ी गहरी इमरान ने बातें लिखी हैं, बहुत गाड़ी उर्दू लिखी है इट्स नॉट एज इफ आप अपनी आम जिंदगी में इस तरह के वन लाइन फेंकते नहीं है इधर उधर आप अक्सर फेंक देते हैं

कुछ थोड़े बेहतर करेक्टर होते थे उसमें कोशिश करती थी फिर उन्होंने मुझे एक वो भी प्ले कराया जो सानिया सईद के साथ मैंने मैंने सानिया सईद जी के साथ किया तो उन्होंने मुझे कहा कि इमरान तुम मैं तुम्हें आयजा खान के साथ लेती हूँ कोई सर मेरे लिए एक सपोर्टिंग एक्टर के लिए आयजा खान उस वक्त मैं क्या और अब आप उनके साथ रमजान ड्रामा करने जा रहे हैं तो आज भी वो वही है सब वही है उन्होंने उन्होंने मुझसे कहा उन्होंने मुझसे कहा कि स्क्रिप्ट अगर है कोई तो मैं कहा मेरा दोस्त है लाहौर में बड़ा जबरदस्त राइटर है उसे लिखवाता हूं उसे मैंने फोन किया उसने कहा यार कोई मसला ही नहीं है कोई टेंशन ही नहीं है मैं तो तीन दिन रह गए बीच में एक दिन गुजरा दो दिन गुजरे तीन दिन गुजरे मेरे दोस्त ने मेरा फोन उठाना बंद कर दिया